पहली तो बात, मैं कुछ कंसेप्ट के ऊपर पहले आपसे बात करता हूं, फिर हम लॉजिक के साथ चलते हैं। हम पेनी स्टॉक्स को देखने वाले हैं, जो अपने टाइटल में तो ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा। अब पेनी स्टॉक्स में रिटेल ट्रेडर पैसा क्यों नहीं बना पाता, इसका क्या ऐसा लॉजिक है? और ऐसे ही वो जो लोग हैं कि जो पेनी स्टॉक्स में करोड़पति बन रहा है, और हम क्यों नहीं बन पा रहे, उसके पीछे की ना एक छोटी सी लाइन है। मतलब हमारे और रिटेल ट्रेडर के और इन्वेस्टर के बीच में ना एक छोटी सी लाइन होती है, वो लाइन है ये लाइन ये है। अब एक साइड में है एक रिटेलर, और एक साइड में है इन्वेस्टर। अब इन दोनों में है क्या डिफरेंस है सर? पहले तो पेनी स्टॉक्स होते क्या है, जिन लोगों को पता है उनको समझाने की जरूरत नहीं, जिन लोगों को पता नहीं बता देता हूं। पेनी स्टॉक्स का मतलब होता है कि कोई भी स्टॉक्स जो अपने लाइफ टाइम हाई से गिरते हुए अगर कंटिन्यूअसली नीचे आया है और वो जाकर पेनी बन चुका है। पेनीज का मतलब क्या है? दिस इज पेनीज, जो अमेरिकन वर्ड वहां पर बोला जाता है ना, कि हम डॉलर बोलते हैं, डॉलर वगैरह बोलते हैं ना, उसके अगेंस्ट में जो चिल्लर देते हैं ना हमारे लैंग्वेज में, चिल्लर, उसी को पेनी बोला जाता है। जो चिल्लर बन चुके हैं एक्चुअली में, उसको पेनीज बोला जाता है, पेनी स्टॉक्स। अब वही पेनी स्टॉक में जब हम पैसा लगाएंगे तो हम करोड़पति क्यों नहीं बनते, और वहां पर क्यों बनते? पहली तो बात, पेनी स्टॉक पेनी बनता क्यों, इस कंसेप्ट को समझते हैं, फिर आगे चलेंगे। पेनी स्टॉक पेनी बनता क्यों है, समझिए थोड़ा सा कंसेप्ट को। कोई स्टॉक 400 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, अरे कोई क्यों यार, एस बैंक ही ले लेते, वही तो मैं खुद हूं उसका, मतलब ना जीता जागता एग्जाम्पल हूँ पेनी स्टॉक। उसको पेनी बनते हुए देखा है मैंने अपनी आंखों से, पैसे को जलाते हुए देखा है मैंने। मैं एग्जाम्पल की दिखा दो तो, बाकी तो छोड़ ही दो, बाकी दुनिया का तो क्या ही लेना, मैं खुद का ही एग्जाम्पल, मुझे अभी याद आया, मैंने खुद अभी, मेरे पास अभी भी मोतीलाल ओसवाल के अकाउंट में मेरे पास अभी भी पड़े हैं, कौन से प्राइस पे दिखा देता हूँ। मैंने एस बैंक को परचेस किया था 333 रुपीज में। आपको पता है रवनीत गिल, उनके राणा, राणा अभी उनके सीईओ बने हैं, उसके पहले रवनीत गिल हुआ करते थे, आई थिंक रवनीत गिल ही उनका कुछ नाम था, राणा कपूर था, उन्होंने कुछ किया या रवनीत गिल, उनमें दोनों कुछ में है, कि जो उन दोनों में कुछ है, कि अभी के जो कोई है, और अभी मुझे थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज हो रहा, आप समझ जाना उसको ओपन करके। उन्होंने क्या किया, अपने बैंक के जो स्टेटमेंट था उसको कभी लॉस में दिखाया ही नहीं, वो ऐसे ही पुश करते चले गए, पुश करते चले गए, पुश करते चले गए, और एक ही बार में आकर न्यूज आ गई कि भाई पेन इसमें बहुत सारे झोल हो चुके हैं। सबसे पहले इनका बिजनेस आपको पता है क्या? अगर आप नहीं समझना चाहते तो वीडियो को 2 मिनट के लिए आगे स्किप कर दो, मैं अभी जिन लोगों को सीखना है मैं उनके लिए बता देता हूँ इनका बिजनेस क्या था इस बैंक का, क्यों क्या करते थे। 1 2 3 4 5 6 7 आठ नौ, और लाइक नौ पकड़ लेते चलो, 10 पकड़ लेते चलो, वो करते क्या थे पता है ना आपको? उनके पास था फंड, एस बैंक के पास फंड था, मान के चलते हैं 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ हुआ उनके साथ फंड हुआ करता था। तो करते क्या थे, सबको एक एक 1,000 करोड़ दे देते थे, इनको पास एक एक 1,000 करोड़ दे दिया, इनको 1,000 करोड़ दे दिया, इनको 1,000 करोड़ दे दिया, ऐसे ही सबके सबको देते जाते थे, ऐसे ही सबको। मतलब क्या कि बैंक के पास जितना भी पैसा है 10,000 करोड़, अब 10,000 करोड़ में से एक एक 1,000 करोड़ अगर सबको दे दिए लोन के बेसिस पे, लोन के बेसिस पे, तो अब एक मान के चलो कि कितना, अगर सोचो कि इसने एक भी नहीं भी पैसा वापस नहीं दिया, क्या हो जाएगा? सीधे सीधे 10% का फटका लग जाएगा, सीधे सीधे 10% का फटना का लग जाए। एक्चुअली मैं आया था पेनी स्टॉक्स बताने के लिए, लेकिन ये कंसेप्ट पे चला गया। अगर आप सच में ये नहीं देखना चाहते तो 2-4 मिनट के लिए वीडियो को स्किप कर दो आगे, ताकि आपको पता चलेगा, लेकिन ये कंसेप्ट को समझो कि क्यों कोई बर्बाद कंपनी होती है, हो जाती है, और क्यों कोई लॉस बड़ा करता है। हमारे कैपिटल पे भी यही अप्लाई होता है, याद रखना, हमारा भी कैपिटल पे हम सीधे सीधे ऐसे डेंट लेते हैं। आपका भी सेम कंसेप्ट यहां पर मैं लिख देता हूं, आपके पास भी 1 लाख रुपीज है, आप हर एक ट्रेड में 10,000 का रिस्क ले रहे हो, सेम कंसेप्ट समझो, 10% का सीधा फटका आया एक ही बार में। अगर कोई एक कंपनी भी नहीं पैसे वापस दे देती है ना, और डूब जाती है पूरी तरीके से, तो इनको सीधा सीधा फटका लग जाएगा। लेकिन होता क्या है कि अभी भी इनके पास बचने के लिए चांसेस है, क्यों? क्योंकि 90% कैपिटल इनके पास बचा हुआ है,
10% का चला गया। लेकिन गलती से भी कोई और एक कंपनी इनको 10% का फटका दे जाती है, अब ये डूब जाते हैं, अब ये डूब जाते हैं एक्चुअली में, अब ये एक्चुअली में डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक बात को समझो कि 20% का रिस्क लॉस रिकवर करना इतना इजी नहीं होता। आप जो रिटेल ट्रेडर स्टॉक मार्केट में देखते हैं उनके लिए लग रहा होगा कि भाई इजी है, कोई बिजनेस में 10% का लॉस निकालना इतना इजी नहीं होता है। एज अ बिजनेस माइंडसेट की तरह देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। स्टॉक मार्केट में मत देख लेना कि 5,000 का मतलब 20 रुपए का पुट 100 रुपए पे चला गया, 30 रुपए का पुट 100 रुपए चला, इस तरीके से मत देखिए। अगर ऐसा होता तो सारे बैंक ने किसी को लोन नहीं दिया होता, सब लोग आकर पुट ही खरीद के बैठ जाते। सही बोल रहा हूं ना? एक्सेप्ट नहीं करोगे मुझे पता है, क्योंकि रियलिटी एक्सेप्ट करने में ना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सेम यही गलती हम रिटेल ट्रेडर भी करते हैं, इन्होंने भी यही गलती किया। ये देते हैं अपने बड़े से फंड का 10-10% का पार्ट करते थे और 10 लोगों को बांट देते थे लोन के तौर पे। और इनका क्या है भाई, ये तो दे रहे हैं ना, और ये देते थे कितने रिटर्न में, इनका परसेंटेज कितना बैंक के पास आ रहा था, ये देते थे 8% के ब्याज पे। भाई ये 8% आएगा तब आएगा ना, लेकिन ये तो पैसा दिया हुआ है ना पहले ही, ये तो 8% जब आएगा देख लेंगे, 10-20 साल के बाद, 50 साल के बाद आएगा तब देख लेंगे। अभी तो गया ना मेरा इतना बड़ा, इनका धंधा डूबने लगता था इस बार में, ये डूब जाते थे इस बार में। अब इनको बचने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, और इन्होंने कर दिया इस दोनों लॉसेस को एक बार में ये बुक, और फिर इनके लग गए। हुआ क्या, 10,000 करोड़ में से इन्होंने गवा दिए 2,000 करोड़। अब इनको आ गया टेंशन, अब बताना पड़ेगा ना तो इन्वेस्टर को, भाई हमने क्या किया है। इन्वेस्टर मतलब कौन हो, आप में और सब लोग इन्वेस्टर है। ऐसे ही पेनी स्टॉक ये स्टॉक बनने लगता है कि, एक मिनट क्या चलेगा, चलो यहां पर कैसे बनने लगता है। मैंने लिया था 333 प्राइस पे एस बैंक को। अब यहां से पता चल गया मार्केट को कि भाई इनके अंदर कोई झोल है, ये लॉसेस में चल रहे हैं, इनकी बैंक की लॉस में चल रही है, इनके पास बिजनेस ही नहीं है अच्छा, इन्होंने गलती कर रखा है। तो होता क्या है, ये प्राइस आया 333 रुपए से नीचे गिरकर कहीं ना कहीं 300 रुपए के पास आ गया। मेरा भी रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट था ना, मेरा भी माइंडसेट तो रिटेल ट्रेडर का ही था, मैंने भी किया सेम गलती, मैंने भी किया 300 रुपए पे एवरेजिंग। मैंने क्या किया, मैंने किया एवरेज, ये आ गया 250 रुपए पे। सेम अगेन भाई रिटेल ट्रेडर एवरेज, फिर मैं फंसा, फिर गिरा 200 रुपए पे। भाई मैंने फिर से एवरेज कर लिया, मैं फिर फंसा। मैं यहां पर कितना, यहां पर कितने का लिया था, 1 लाख रुपए के शेयर लिए थे, यहां पर मैंने एवरेज किया, यहां पर 50,000 के ले लिया। मैंने यहां पर कितने लिए, यहां पर मैंने 30,000 के ले लिए। फिर यहां पर जाया, मैंने कितने लिए, यहां पर फिर से मैंने 50,000 के लिए, क्योंकि भाई एवरेज हो जाएगा, थोड़ा भी ऊपर आएगा तो मैंने, अब मेरा हो गया भाई खत्म, सम लिमिट, इससे ज्यादा मैं एवरेज नहीं कर सकता, मैं डूब चुका हूं। कितना हो गया, 1 लाख। मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैंने खुद किया है ये, मेरे स्टार्टिंग के पीरियड में, तभी जाकर बता रहा हूं। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख के आसपास मैंने एक ही एस बैंक में मैंने एवरेजिंग करके 2.5 लाख का लॉस ले लिया। आप बोलोगे सर कौन सा 2.5 लाख का, वो अभी तो 200 रुपए पे आया है। भाई अभी तो मेरी हिम्मत ही नहीं ना निकलने की, समझो ना, 2.5 लाख रुपीज, 2.5 लाख रुपीज मैंने लगा दिए थे, अब 200 रुपए पे आया, 100 रुपए नीचे खिसका है, तो कितना मेरा लॉस होगा, लगभग लगभग 2.5 लाख में से मेरा लॉस होगा यहाँ पर 1.2 लाख के आसपास का। अब ये लॉस देखकर मेरी थोड़ी हिम्मत हो जाएगी इससे निकलने की, नहीं निकल सकता मैं, अरे बची ही नहीं मेरे पास हिम्मत, हो ही नहीं सकता मेरे से, मैं वेट करूंगा। और ये आया ऐसे करते 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 करते, ये पहुंचा मुझे बर्बाद करने के चक्कर में। और कहां तक आया ये आया कहां तक पता है आपको, आया ये डायरेक्ट, इसने जो लो लगाया ऐसे करते करते, वो लगाया 5 रुपीज का। कितना कितना लगाया था मैंने, 2.5 लाख रुपीज। आप बताओ कितना बचा मेरे पास, पता है आपको, 17-18 हजार रुपीज कोई दिख रहे थे 2.5 लाख के। अब मेरी हिम्मत हो सकती है क्या लेने की, यहां पर एवरेज करूंगा तो घरदार बेचना पड़ेगा, तभी भी एवरेज नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही रिटेल ट्रेडर ज्यादातर चीजों में फंसते हैं। आप अपने, मैंने पेनी स्टॉक्स बनता कैसे ये चीजों को दिखाया,
बैंक का कंसेप्ट समझाया कि बैंक क्यों डूबा, समझ गए। इसके बाद अब आते हमारे मेन टॉपिक पे कि रिटेल ट्रेडर क्यों पैसा नहीं बना पाता। इस चीजों पे इन्वेस्टर क्या करता है, अगर इसके पास 1,000 करोड़ रुपीज है, 1,000 करोड़ रुपीज है, एक जीरो ज्यादा हो गया क्या, ठीक है 1,000 करोड़ है, ये क्या करते हैं अपने 1,000 करोड़ को लगा देते हैं 10 कंपनीज में। 1,000 करोड़ यहां पर, 1,000 करोड़ है ना, 100 100 करोड़ सब जगह पहले, 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ ऐसा ही चलता रहता है। हमारे पास कितना पैसा है, इतना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए, मैं रिटेल ट्रेडर का पकड़ के भी चलू ना भाई, 10 लाख मतलब सिर के ऊपर के पानी चला गया, 10 लाख के ऊपर का मतलब सिर के ऊपर पानी चला गया। अब इन किसके पास जो 1,000 करोड़ है, ये क्या है, इसकी पॉकेट मनी है, ये पॉकेट मनी समझ लो ना, ये पॉकेट मनी है इसकी, ये 1,000 करोड़ ये पूरे घरदार बेच के नहीं लगा रहा है, इसके पास ये पूरी प्रॉपर्टी का ये बस लगा रहा है, 20 से 30% का रिस्क ले रहा है, 20 से 30% का रिस्क ले रहा है परसेंटेज में। और हम क्या करें भाई, हमारे अकाउंट में ही पड़े हैं 5 लाख और 2 लाख, उसमें से रिस्क लेंगे कितना और बनाएंगे कितना। रिटेल ट्रेडर इसीलिए नहीं बना पाता क्योंकि उसके पास पहली तो बात कैपिटल ही कम है। कंसेप्ट क्या होता है, पहली चीज को समझो, कंसेप्ट क्या होता है कि कोई भी पेनी स्टॉक्स में पैसा बनाने का कंसेप्ट क्या होता है, पेनी स्टॉक का कंसेप्ट यह होता है कि मैं कोई 10 रुपए का स्टॉक्स परचेस करूंगा और सीधे अगर 30 रुपए पे भी चला जाएगा तो भी मैं बहुत बड़े पैसे बना सकता हूं। पहली तो बात ये समझो कि आप यहां पर पैसे लगाने कितने वाले हो, पैसा आपका इन्वेस्ट कितना होने वाला है, ये चीजों को पहले समझो भाई। हम इतना पैसा यहां पर लगाने ही नहीं वाले कि जहां से हम करोड़पति बन पाए, इसीलिए हम पेनी स्टॉक से नहीं पैसे बना सकते। पेनी स्टॉक से बनाने के लिए आपके पास चाहिए बड़ा सा फंड, नहीं बनेगा क्यों, और पेनी स्टॉक में पैसा बनाने के लिए चाहिए होता है कम से कम 1 2 साल का वेट भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वो 10 दिन में 2 दिन में जाकर पैसा बनेगा, ऐसे होगा भी नहीं। हमने भी इमेजिका वगैरह स्टॉक्स, मैंने आपको कई बार इंस्टाग्राम पे मैंने दिया था, 16 रुपीज के भाव भी दिए थे, 40 50 60 रुपीज का भी हाई लगा चुके हैं, मैंने भी दिया था, लेकिन टाइम लेता है ना, इट्स टेकिंग टाइम, इसीलिए हमें पैसा बनाने में दिक्कत आता है। आपको पता है ना, राकेश झुंझुनवाला जी की बात ही पता है आपको, टाइटन उन्होंने लिया था, टाइटन 40 रुपीज पे लिया था, 40 रुपीज पे, अब उन्होंने कितना बाइंग किया था पता है आपको, 2.5 करोड़ का बाइंग किया था, 2.5 करोड़ का, और वो बोलते हैं, उन्होंने क्या बोला था स्टेटमेंट, मैं गरीब था उस समय, मेरे पास पैसे नहीं थे। भाई उस टाइम पे जब हम हमारे पॉकेट में आपके ना 1 रुपीज के लिए हम रोते थे घर में, भाई 1 रुपीज दे दो, तब उन्होंने 2.5 लाख रुपीज लगाए थे और वो बोलते थे मेरे पास कम था पैसा। इसीलिए रिटेल ट्रेडर को पैसा बनाने का जो तरीका है ना वो गलत है, मैं बता देता हूं आपको कैसे बन सकता है, पहले कंसेप्ट को समझो। ये पैसा बनाना डिफिकल्ट नहीं है, ये हमारे लिए भाई डिफिकल्टी है ना, कौन से हम भाई बड़े खानदानी घर से आ रहे हैं, कौन से हम सैफ अली खान के घर से आ रहे हैं भाई, जिसका पहले से ही बहुत बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं यार उनको, क्या है उनको, कुछ तो बोलते हैं पतोड़ी, तो उनका ये है मतलब नाम है, बट नवाब, नवाब है वो। हम कौन से नवाब फैमिली से आ रहे हैं भाई, हम कौन से राजा महाराजा फैमिली से आ रहे हैं भाई, जहां पर एक वड़ा पाव लेने के लिए, आई एम महाराष्ट्रियन, आप सबको पता है आई एम महाराष्ट्रियन, एक टाइम मैंने देखा है वो कि महालक्ष्मी के मंदिर में बैठे बैठे ना, दो वड़ा पाव लेने से बेटर हमने एक लिया था और मेरे और मम्मी ने मैंने शेयर कर दिया था, आई नो दैट, मैंने देखा है वो चीज भी, मैंने देखी है वो, देखी है मैंने, तो हमारे पास कौन से 200 250 करोड़ आएंगे भाई, कौन 2 करोड़ कौन देगा हमें भाई, तो 1 लाख कमाने की मुश्किल है, पूरे साल में 1 लाख नहीं बच पा रहे, स्कूल फैमिली वेमिली ये सब कुछ देखने के बाद, बच्चों के स्कूल फैमिली घर का टेंशन, मम्मी पापा का मेडिसिन जॉब, ये वो गाड़ी लेना है, ये लेना है वो लेना है, फोन लेना है, इसका EMI भर भर के हमारे पास 1 लाख साल का बचे तो भी बहुत मुश्किल है रेगुलर पीपल का, तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ऐसा करें, तो हमें करना क्या पड़ेगा, मैं जो कंसेप्ट समझा रहा हूं समझ पा रहे हो ना, मैं वापस एक बार ना थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता दे, समझो हमारे पास समझ के चलते हैं कि 5 लाख रुपीज है, एक कंसेप्ट चलो सिंपल और सिंपल कर देता हूं, 5 लाख है और हमने चूज की है 10 स्टॉक्स, पेनी स्टॉक कभी भी याद रखना, एक स्टॉक में पैसा नहीं बनता, हमेशा याद रखो पेनी स्टॉक्स आपको कम से कम 5 तो लिखने, 5 लेने पड़ेंगे, 5 5 लेने पड़ेंगे आपको कम से कम, 5 आपको कम से कम, 5 याद आ रहे हैं, समझ रहे हो क्या, 5 स्टॉक्स आपको कम से कम लेने पड़ेंगे कम से कम, और उसके अंदर जाकर आप सक्सेस होंगे। मतलब एक स्टॉक्स में क्या होगा, जो फर्स्ट स्टॉक है वहां पर आपका पैसा होगा पूरा पूरा खत्म,
यहां पर होगा आपका पूरा पूरा खत्म, ये जीरो हो जाएगा, लॉस जीरो हो जाएगा, ये भी जाकर आपका जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जाकर आपका जीरो हो जाएगा, ये भी जाकर आपका जीरो हो सकता है, लेकिन एक बार में आपकी लॉटरी लगेगी, यहां पर आपकी लगेगी लॉटरी और ये चाहेगा 40 रुपए पे सीधे सीधे। अब आपने देखो इतना कहां लॉस किया, 5 लाख है ना हमारे पास, 5 लाख लगा दिए थे हमने, 1-1 लाख, 4 लाख लॉस, 4 लाख लॉस हो गया। और यहां पर अभी हमारा गेम कहां हुआ, यहां पर हमने 1 लाख लगा दिए थे, 1 लाख रुपीज, 40 रुपीज पर चला गया, कितना गुना पैसा बढ़ेगा, हमने सब जगह लॉस किया है, ये चारों मिलकर, ये चारों में हमने लॉस किया है और बस एक जगह पर हमने पैसे बनाए, लगभग आपने कितने रुपीज कमाए यहां पर पता है आपको, 35 रुपीज आपने कमाए, कितने कमाए हमने, 35 रुपीज, और यहां पर 1-1 लाख रुपीज लगाए थे, सारे जीरो हो गए, 1-1 लाख, ये 4 लाख का लॉस हुआ, ये 4 लाख का लॉस हुआ और यहां पर हमने 35 रुपीज कमाया, कितना कितना लॉस किया हमने यहां पर, 5, 5, 5 और 5, मान ये जीरो ही हुआ पकड़े चलो, ये जीरो ही हुआ और यहां पर हमने कमाया 35 रुपीज। अब कर लो आप 35 रुपीज इंटू 1 लाख रुपीज, सिंपल सा कैलकुलेशन, यू मेड हियर अ 35 लाख रुपीज। बिलीव नहीं हो रहा है ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, डेटा बोल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं मुझे नहीं पता कुछ भी, 35 रुपए चला गया हमने कमा लिया, यहां पर हमने कितना गवाया, 1-1 लाख रुपीज लगा के छोड़ दिए थे हर एक स्टॉक्स में, 1-1 लाख का बाइंग किया था, गलत गो छोड़ दिया हमने, ये लॉस सब में लॉस, फिर भी एक ही बार में बड़ा पैसा, इसको बोलते हैं पेनी स्टॉक से पैसे बनाना। लेकिन उसके लिए आपके पास वो पैसा भी उतना चाहिए, अगर आप फिर भी 1-1 हजार का रिस्क लेके ऐसे टेस्टिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको स्टॉक सिलेक्शन का तरीका बहुत सही होना चाहिए। इसीलिए रिटेलर नहीं पैसा बना पाता क्योंकि उसके पास पहले ही पैसे हैं लिमिटेड, और वो लिमिटेड पैसों में उसके पास है 5 लाख और उसमें से वो लगा भी देता है कितना पता है आपको, वो 1-1 लाख पूरी कुल मिलाकर वो 1-1 लाख लगा देगा सारे स्टॉक्स में। अब 1 लाख का बनेगा भी तो बनेगा कितना भाई, और 1 लाख का क्या बनेगा, हमने सब स्टॉक्स में 20-20 हजार रुपीज का लगाया, 20-20 थाउजेंड रुपीज लगाए हमने सब स्टॉक में, 20-20 थाउजेंड रुपए लगाए, ये लॉस, ये लॉस, ये लॉस, ये लॉस और ये प्रॉफिट, और ये कितना जाएगा मुझे नहीं पता, मैं मान के चलता हूं 10 रुपीज भी ऊपर चला गया तो 10 रुपीज इंटू 20 कितना बन जाएगा आपका, 2 लाख बन जाएगा, 1 लाख का 2 ही हुआ ना, इससे आपको कौन सा बड़ा बनने वाले हो, इससे आपको कौन से करोड़पति बनने वाले हो, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस में चले जाओगे ना, मतलब आप लगभग 30-40 साल तक अगर ऐसे अच्छे से स्टॉक सिलेक्शन करके अगर प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आप बहुत बड़े पैसे भी बना सकते हो उससे। तो हो आप समझ गए होंगे कि पेनी स्टॉक्स में क्यों रिटेल ट्रेडर पैसे नहीं बना पाते, और बनाना है तो किस तरीके से बनाना पड़ेगा, और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट किस तरीके से बनाना पड़ेगा, ये तो बात सही है, और कितना टाइम देना पड़ेगा ये ज्यादा जरूरी है, कितना टाइम देना पड़ेगा, टाइम पीरियड क्या होगा। देखो मैं रियलिटी बहुत ज्यादा बोलता हुआ इसलिए लोगों को मेरी बातें ज्यादा कड़वी लगती है, क्योंकि मैं रियलिटी ज्यादा बोलता हूँ, मैंने ये बोलता नहीं, नहीं आप पेनी स्टॉक ले लो आप करोड़पति बनोगे, ये बनोगे आप, ये स्टॉक्स उठा लो, ये स्टॉक कर लो, ये कर लो, बहुत बड़े, ऐसे आपको सुनने में तो अच्छा लगेगा लेकिन होगा कुछ नहीं, होगा तो कुछ नहीं जो आपको पहले से पता है। समझ गए या नहीं समझ आया, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके जाना, अगर नहीं आया है तो है ही बस ऐसे ही, तो जाहिर हर दिन आज भी चले जाना वैसे ही, बस मैं तो मेरी कोशिश कर रहा हूँ आपको जो देने की, बाकी देखते हैं जो हो सकता है। एंड होप आपको पूरी कंसेप्ट समझ आई होगी, अगर उसमें कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आई है या फिर आपको जानना चाहते हो और भी डिटेल्स में तो मुझे बता देना, हम नेक्स्ट टाइम पे उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलो मैं तब नेक्स्ट में, तब तक बाय, टेक केयर।